द बार्बी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रूपा रसोई में सब्जी काट रही है। लूपा दीदी, लूपा दीदी। रूपा पन्नू की आवाज सुन खड़ी होकर रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ पन्नू? लूपा दीदी, आज लिपल चन्नू का जन्मदिन है। उसने मुझे चिंकी मिंकी को अपने घर बुलाया है। तो तुम लोग तैयार होकर चले जाओ। दीदी, हम लोगों के नए कपड़े बैग में से निकाल कर दे दो, फिर हम तीनों तैयार होकर उसके घर चले जाएंगे। दीदी, मेरे कपड़े भी उसी कमरे में रखे हुए हैं। अच्छा रुको, मैं अभी तुम लोगों के कपड़े निकाल कर देती हूँ। रूपा कपड़े लेने के लिए कमरे में चली जाती है, कमरे में से कपड़े लेकर वापस आ जाती है। ये लो तुम लोग अपने कपड़े, अब नहा कर तैयार हो जाओ। रूपा चिंकी मिंकी को कपड़े दे देती है। चिंकी मिंकी और पन्नू कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में तैयार होकर वापस आ जाते हैं। तब तक मालती भी आ जाती है। चिंकी मिंकी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बुआ, आज लपरजनों का जन्मदिन है। उसने अपने घर हम तीनों को बुलाया है। हम तीनों वहीं जा रहे हैं। मालती अपनी साड़ी से पैसे निकाल कर तीनों को देती है। लपरजनों को अपनी अपनी पसंद का गिफ्ट खरीद कर दे देना। ठीक है मामी। तीनों लपरजनों के घर चले जाते हैं। रास्ते में पन्नू बोलती है, चिंकी लपरजनों को क्या गिफ्ट दें? मैं तो लपरजनों को पैसे ही दूंगी, क्योंकि पैसे से वो अपनी पसंद की चीज खुद खरीद लेगी। हम लोग उसे जो गिफ्ट दें उसे पसंद नहीं आया तो उसका मूड खराब होगा, इसलिए मेरी मानो उसे पैसे ही दे देते हैं। चिंकी मिंकी सही कह रही है, हम सब उसे पैसे ही दे देते हैं। फिर ये लोग लपरजनों के घर की ओर चल देते हैं और थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। पन्नू आ गई, पन्नू आ गई। लपरजनों का घर फूल लाइट से खूब सजा हुआ है। लपरजनों भी बहुत सुंदर लग रही है। पन्नू, तुम इतनी देर से आई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता है तुम्हें पायल, रूपाली, सोनम सब लोग आ गए हैं, तुम्हें लेट आ रही हो। अरे, हम लोग जल्दी ही आ रहे थे लेकिन देर हो गई। पन्नू, तुम यहीं पर थोड़ी देर बैठो, मैं बाहर दूसरे मेहमानों से मिलकर आती हूँ। लपरजनों ठीक है, लेकिन अंकल आंटी नहीं दिख रहे। अरे मेरे पीछे देखो, मेरे पीछे मम्मी पापा खड़े हैं, वो देखो। इतना बोल लपरजनों चली जाती है। पन्नू, लपरजनों का घर कितना सजा हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ चिंकी, लेकिन तुमने मेरा जन्मदिन नहीं देखा। मामा ने पूरे घर को फूलों से सजा दिया था और गांव के सभी लोगों को मेरे जन्मदिन पर घर पर बुलाया था। सच में पन्नू? हाँ मिंकी। तभी लपरजनों आ जाती है। अरे वाह, लपरजनों के सभी दोस्त आ चुके हैं, फिर तो अब जल्दी से केक काट देते हैं। हाँ मम्मी, जल्दी से केक कटवा दो, इन लोगों को घर भी जाना है। सब बच्चे यहाँ खड़े हो जाओ और लपरजनों तुम यहाँ केक के पास आओ और केक काटो। सभी बच्चे केक के पास खड़े हो जाते हैं और लपरजनों केक काटती है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे लपरजनों। सब बच्चे जोर से बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे लपरजनों। लपरजनों मोमबत्ती बुझाकर केक काटती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लपरजनों, हैप्पी बर्थडे टू यू। लपरजनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लपरजनों अपने मम्मी पापा को केक खिलाती है। सभी बच्चे कुर्सी पर बैठ जाएंगे, मैं सबको केक निकाल कर देती हूँ। सभी बच्चे कुर्सी पर बैठ जाते हैं और लपरजनों की मम्मी सबको केक बांटती है। ये लो चिंकी मिंकी, तुम ज्यादा केक ले लो। सभी बच्चे केक खाने लगते हैं। आंटी, अब हम लोग डांस करेंगे। बेटी, अब तुम लोग पार्टी में डांस करो, मैं और लपरजनों के पापा घर में जा रहे हैं। बच्चों की पार्टी में बड़ों का क्या काम? लपरजनों के मम्मी पापा जाने लगते हैं।
बेटा मैं केक को हटा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से डांस कर सको। किसी को और केक लेना हो तो किचन में आ जाना, मैं उसे और केक दे दूंगी। लपल झन्नू की मम्मी केक हटाती हैं। अली लपल झन्नू आओ डांस करते हैं। फिर पन्नू नाचने लगती है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, आज मेरी दोस्त का हैप्पी बर्थडे, आज तो मैं खूब नाचूंगी ये। पन्नू और लपल झन्नू को देखकर धीरे धीरे सभी लोग नाचने लगते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।